भाई ये चंबा, चंबा आ गया चंबा। क्यों दिख रहा है यहाँ से? नहीं दिख रहा ना उस पहाड़ के पीछे। पहुंच गए चंबा सिटी, बुढ़े बैठे हुए भाई आराम से एंजॉय ले रहे हैं पहाड़ों का। हाँ बहुत प्यारा सिटी है चंबा। चंबा तो मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं चंबा में कुछ दिन रहूं, यहाँ पे रूम लेके कुछ दिन चंबा में बिताए जाएं। भाई मौसम खराब होने वाला है तो साहब देख, राइट साइड से देख कैसे बादल आ रहे हैं। यहाँ पे धूप आ रही है, वैसी अच्छी लग रही है, अब मौसम बिगड़ने वाला है। सामने देख, ये आ गया मेन चौक, अब यहाँ पूछना पड़ेगा। चंबा पे बहुत गाने बन रखे हैं। ये मार्केट है भाई साहब, देख नहीं रहे इधर को, सब कॉन्फिडेंस में किसी और को देख रहे हैं। ये मार्केट है चंबा का, तो सर देख कैमरे में क्या क्वालिटी आ रही है, लाइटिंग अच्छी है ना बैकग्राउंड में, और देख सबके कलर कितने प्यारे दिख रहे हैं कपड़ों के। अभी चलते हैं सीधा न्यू टिहरी। तो ये है चंबा, तो भाई चंबा का क्राउड दिखाता हूँ तुम्हें, चंबा का मार्केट दिखाता हूँ, चंबा के परिधान दिखाता हूँ, चंबा के पहाड़ी लोग दिखाता हूँ जो कि आसपास यहाँ पे रहते हैं। बराबर में ये जा रही है टैक्सी कहीं पहाड़ों पे, देखो किस तरह से लोग बैठे हुए हैं ठूस ठूस के। यहाँ पे यही चलती है, इनको क्या बोलते हैं ये पता, पिकअप बोलते हैं पिकअप। तो ये सीधा तो जा रही है भाई ऋषिकेश, ठीक है, और लेफ्ट में जा रही है न्यू टिहरी। तो न्यू टिहरी यहाँ से एग्जैक्ट 11 है। तो पहली बार मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, पहली बार, इससे पहले मैं इधर कभी न्यू टिहरी गया नहीं हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड इधर जाने के लिए। देखते हैं कैसा होने वाला है 11 किलोमीटर का हमारा सफर। ये भी शायद चंबा का ही पार्ट है जो सामने दिख रहा है। तो गूगल मैप खोल और उसमें मैप समझ कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेक का, ये लेक के पास ही है पता है न्यू टिहरी, बस लेक से 2 किलोमीटर इधर। लेक तो कभी भी घूम आओ, लेक तो हम अर्ली मॉर्निंग भी घूम सकते हैं, रात को भी घूम सकते हैं, कभी मतलब है घूम के जाना है। हाँ यहाँ पर एक बोर्ड आया है, रानी चौर 3, चंबा 3, नरकोट, मसूरी। अब हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, लेफ्ट ही चलना है ना भाई। न्यू टिहरी जाने का रास्ता बहुत प्यारा है, चिड़ के पेड़ है चारों तरफ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रास्ता है, कोई भी नहीं है पॉल्यूशन, कहीं भी गारबेज, कहीं भी गारबेज नहीं दिख रहा है, बहुत कम है इस तरह के रास्ते। चलो आज ये वाला रास्ता भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि न्यू टिहरी आना चाहिए या नहीं। वैसे तो हम यहाँ से देहरादून भी घर भी जा सकते हैं, चाहे रुको या ना रुको, पर हम रुकेंगे, हम रात का फील लेंगे, सुबह का फील लेंगे, आराम से जाएंगे कल ऋषिकेश होते हुए, क्योंकि परसों हमें हरसिल भी निकलना है। कुछ ही देर में न्यू टिहरी पहुँचने वाले हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर रह गया होगा, 1-2। बहुत शांति, बहुत अच्छा अनुभव रहा अब तक, काफ़ी डिफरेंट एरिया है। यहाँ पे टेम्परेचर 16 डिग्री है, यहाँ पे मैंने तुरंत ब्रेक लगाए न्यू टिहरी पहुँचने से पहले, वो किस लिए वो मैं दिखाता हूँ। अब मेरे राइट साइड में देखो क्या है, टेंट है, ये है मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी उत्तराखंड की न्यू टिहरी, जो कि नया बसाया हुआ है पूरा, इसलिए चमक रहा है, नए नए घर लग रहे हैं, नया नया जंगल, बहुत ही डिफरेंट है भाई, ये है न्यू टिहरी। तो न्यू टिहरी देख लो भाई, बिल्कुल नया बसाया हुआ है, ये क्वार्टर बने हुए हैं अभी, ये पता नहीं ये क्वार्टर शायद इनके जो डैम है उसके उस तरफ, जो कि दिख नहीं पा रहा है, वहाँ जाके व्यू दिखाएंगे उसके हैं, और ये कुछ घर हैं। अब हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कितने में रुकना है। अब मैं बिल्कुल पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, पर आई ट्राई माई बेस्ट कि जहाँ भी मैं रुकूंगा सबसे बेस्ट रुकूंगा, और आप भी आएँ तो कोशिश करना उसमें रुकें। तो खाना भी हमें बेस्ट से बेस्ट खाना है यहाँ पे। तो सर कैसा तेरा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया ना? हाँ। ऐसा शहर तो नहीं देखा होगा अब तक पहाड़ों में, एकदम प्रॉपरली चंडीगढ़ बसाया हुआ। हाँ प्रॉपर बसाया हुआ है प्रॉपर, और सबसे अच्छी बात यह है ये नया शहर है, नया देख, नया नया पेंट, नए नए घर दिख रहे होंगे, बिल्कुल ताजे, बिल्कुल सफेद, सब सरकार ने बनवा के दे रखे होंगे। नहीं इनको मुआवजा मिला बहुत ज्यादा, पीछे डूब गए थे ना बेचारे, बनवा के दे रखे हैं सरकार ने, तो बहुत पैसा दिया है सरकार ने, पता नहीं क्या सरकार ने काफी दिया है। ये तो क्वार्टर है, ये पता नहीं किसके क्वार्टर है, ये तो टिहरी वालों के क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर है क्या है, ऐसे तो खैर क्वार्टर किसी को मिलते नहीं है, तो जमीन का मुआवजा मिला है बस। वहाँ हेलीकॉप्टर कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा, वाओ।
यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दिया है जिसपे लिखा है, ये देख लो भाई क्या क्या लिखा है, वेलकम टू न्यू टिहरी। एक रोड ऊपर जा रही है, हमारे जैसी बलेनो खड़ी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और ये यहाँ पे होटल शुरू हो गया शायद, है ना, ये घर है होटल है क्या है। और ये पूरा सिटी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, कुछ ज्वेलर्स हैं, और ये तो मार्केट है पूरा ऊपर की तरफ, है ना, प्लैंड सिटी है। हाँ पूरा मेरे ख्याल से देखो ऊपर पैदल चलने का बना रखा है पूरा माल रोड काइंड। और भाई अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पे आके, है ना, मतलब ये कितना नीट एंड क्लीन और प्लैंड है ना। दूसरा मसूरी मान लो इसको, हाँ बड़ा सुंदर प्यारा। और भाई ये देख लो सच्चिता मसाला उद्योग और क्या क्या है भाई, जनरल स्टोर है, फैशन, गिफ्ट शॉप, दोनों साइड है। इस तरफ क्या, इस तरफ कुछ पार्क है, देखो इस तरफ भी मार्केट है, राइट साइड में भी पूरा मार्केट है ना, न्यू उसकी तरह है ये, नरेंद्र नगर की तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना, देखो ये बराबर का मार्केट। अनकट वीडियो दिखाऊंगा न्यू टिहरी की, देख लेना भाई। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सुभाष चौधरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हनुमान जी की मूर्ति, अभी ये शिव जी की मूर्ति आई थी, चौक आया था, शिव चौक बोलते होंगे इसको, हनुमान चौक बोलते होंगे, है ना, ऑफकोर्स। और यहाँ पे भी देखो ये रास्ता जा रहा है नीचे, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जा रहा होगा। ये हमें कहाँ जाना है, मैं थोड़ी सी लेफ्ट करके मैप देख लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो अभी मैंने डिसाइड किया हम इस तरफ चलते हैं। अभी हम कहीं भी न्यू जगह जाते हैं ना, हम ऐसे रुकते नहीं है कि एकदम से रुक गए, हम ना पहले घूमते हैं सिटी को, सिटी को पार करते हैं, पहले क्रॉस करते हैं हम सिटी को, फिर वापस आते हैं, जब जहाँ पे सिटी खत्म होती है फिर वापस आते हैं, हमें आइडिया मिल जाता है कितनी बड़ी सिटी है, कहाँ पे क्या है। फिर हम बेस्ट स्पॉट चुनते हैं, पांच छह लोगों से पूछते हैं खाने का रहने का, तो जो हमें बेस्ट लगता है फिर हम उसमें रुकते हैं। तो यहाँ पे होटल मोनाल भी कहीं ना आसपास होगा जहाँ पे हमें पूछना है। ये भी अच्छे लग रहे हैं कमरे ऊपर, कितने प्यारे प्यारे जगह है भाई, है ना, हर जगह होटल ही होटल लग रहे हैं। तो एक ये लग रहा है, देख तुषार कितना प्यारा लग रहा है ना, हाँ प्यारा लग रहा है, सामने टेरेस है। ओ भाई तुषार, तुषार ने अब तक आज तक डैम नहीं देखा और ये डर रहा है, मैं कह रहा हूँ देख एक आंख से देखना पहले फिर दूसरी खोल, डर नहीं रहा। तूने समुंदर देखा आज तक, जब जिन्होंने समुंदर देख रखा उनको अलावा दो आंख से देखना पहले ही, जिन्होंने नहीं देखा वो एक आंख से देखेंगे पहले। डरना नहीं है, दिल पे हाथ रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, जो होगा ठीक होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा, ऐसा नहीं है। अभी हम सिटी से बाहर आ गए हैं, फिर दोबारा से सिटी आ जाएगी, अजीब सी सिटी है, बीच बीच में खाली सा एरिया है। और मुझे लेस डाउन की याद आ गई है, लेस डाउन में भी ऐसे ही है थोड़ा सा, अलग रास्ते एरिया है ये, तो लिख रहा था। हम जैसे टिहरी, न्यू टिहरी से बाहर निकले, यहाँ से व्यू आ रहा है भाई टिहरी डैम का, और ये वाला वो पुल है नया वाला, घनसाली का पुल जो फेमस है, जो नया बना है, और ये पूरा टिहरी डैम थोड़ा सा दिख रहा, पूरा नहीं दिख रहा, अभी हम उस तरफ जाएंगे तो और भी दिखाई देगा। ये साईं बाबा चौक आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से हम अगर लेफ्ट जाएंगे तो वापस सिटी में पहुँच जाएंगे, लेफ्ट ही जाएंगे घूम के। एक चौक और आ गया भाई, ये गणेश चौक आ गया, सब भगवानों के नाम पे रखे हुए हैं सब चौक, और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं चौक पे, यानी कि ये मेन जगह है यहाँ की, है ना। हाँ, ये श्रीनगर वगैरह, ये चीज़ है यार, हमें ध्यान रहेगा कि कौन सा चौक कहाँ पर है। और यहाँ पर न्यू टिहरी की, यहाँ पे पौड़ी 114, श्रीनगर 85, घनसाली 56। भाई बादल देखो कितने खतरनाक हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है, अभी हम जा रहे हैं डैम पे, डैम का जो व्यू पॉइंट है वहाँ जा रहे हैं, और वो देखेंगे, ये घर देख रहे हैं कितना प्यारा सा है। तो अभी यहाँ से जो ना 7-8 किलोमीटर है, अब चलते हैं वहाँ पे और डैम से व्यू पॉइंट देखते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से डैम दिखाता हूँ, टिहरी डैम। देखो यहाँ पे स्रोत का पानी है, कुछ बच्चे पानी भर रहे हैं, स्रोत का पानी है, पर डांस भी कर रही है चुटकी। भाई बादल देख रहे हो, बादल बादल बिल्कुल अलग ही है। व्यू पॉइंट पर पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है, यहाँ पे भी कुछ सरकारी भवन है शायद, ये डैम वालों के बने हुए हैं सब, पर रास्ता देखो तुम, बस डैम पे पहुंचने ही वाले हैं। मैं तो टाइम टाइम पे कैमरा निकाल रहा हूँ। पहुंच गए हैं डैम पे, और ये डैम है यहीं से, पता है तो सर यही रोड जा रही है, देखो बस जा रही है ना, वो जा रही बस, और ये देखो लेफ्ट में डैम है, और ये बोट है इनकी। तो ये रहा डैम, डैम पे पहुंच गए भाई, और ये है मेन जो इसकी दीवार है ना, ये है जिसने पूरे डैम को रोका हुआ है। ये देखो कार और बाइक ना, जिसको जिनको देवप्रयाग जाना है, ऋषिकेश जाना है, यहाँ से भी जा रही है कार, और ये देखो ये पूरा बोट है यहाँ पे, इसके नीचे ना लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ पे लिफ्ट है, नीचे टर्बाइन है बहुत बड़ी बड़ी। तो बंसल जी तो काफ़ी बार आए हैं, उन्होंने बोला कि मेरे साथ आएगा तो मैं घुमाऊंगा तुझे। तो ये देखो ये है पूरा, यहाँ पे ट्रॉली भी है तो सर दिख नहीं रही, अब तो काफ़ी पानी आया हुआ है बारिश की वजह से, काफ़ी ऊँचा हो गया ये। और ये देखो ये डैम इधर है, और ये नदी, ये गंगा पे बना हुआ है भागीरथी पे,
बोरी नदी, ये सीधा देवप्रयाग जा रही है, अलकनंदा में मिलती है ये, भागीरथी जाके अलकनंदा में मिलेगी तब देवप्रयाग में संगम होगा इसका। इसके बाद एक और डैम है इसी नदी के ऊपर छोटा सा। वाओ पहाड़ों पे धूप आई हुई है, कितना प्यारा लग रहा है, धीरे धीरे सनसेट हो रहा है। अभी किसी क्लॉक की आवाज़ आ रही है घंटाघर की, और अभी इस तरफ जाएंगे, इस तरफ वो है जहाँ पे ये टिहरी डैम के लिए जा रहा है, जहाँ पे एडवेंचर स्पॉट होते हैं सारी लेक वो बोट बोटिंग वगैरह होती है। और यह ये न्यू टिहरी से आए हैं और ये भी जा रहा है कोई रास्ता, सामने न्यू टिहरी है ये वाला, ये पूरा न्यू टिहरी है, अभी हम इधर से आए हैं। तो 8-9-10 किलोमीटर आई है हमसे ये न्यू टिहरी, देखने में पास लग रहा है। तो वापस अभी आज रात हम न्यू टिहरी में बिताएंगे वहाँ पे। वाओ ये देखो भाई, हम झील के किनारे किनारे चल रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, क्या व्यू आ रहा है। ये यहाँ पे होटल लीरोए, पहुंच गए हम टिहरी डैम पे, और यहाँ पे हमने कार पार्क कर दी है 40 रुपए में, वोट ही वोट, पानी पानी। अरे भाई यहाँ तक बैकवार पानी फेंक रहा है भाई, ये समुंदर की लहरों की तरह। पुलिस वाले आ गए, इन्होंने मना कर दिया, इसको चढ़ रहे थे टूरिस्ट, मना कर रहे क्या ऊपर जाने को, इस पे जाना मना है भाई, क्योंकि कोई डूब गया ना, गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, इस पे जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि हमने लाइफ जैकेट नहीं पहनी ना, कोई गिर गया तो मर जाएगा ना। 5:30 बजे बंद हो जाता है, फिलहाल 5:20 हो रहे हैं, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है अगर घूमना है तो। ये बोर्ड लगा है यहाँ पे मोटर बोट, 30 मिनट कम से कम 300 रुपये है, यहाँ पे 300 रुपये से कुछ कम नहीं होगा। और स्पीड बोट 15 मिनट करनी है तो भी 500 रुपये लगेगा। जेट इसकी करनी है एक राइड 250 रुपये, 250 रुपये जेट इसका सबसे कम 250 रुपये है। बम्पर राइड, बनाना राइड, वाटर राफ्टिंग बहुत कुछ है यहाँ पे, सुबह 9 बजे से 7 बजे तक, शीतकालीन में 9 से 5, ये भी होता है यहाँ पे। काफ़ी बड़ी लेक है, वहाँ तक लेक है पूरी। अभी हम वहाँ पे थे, उस तरफ थे, वो जो TSDC लिखा है ना वहाँ पे, इतनी दूर वहाँ पे खड़े थे हम, वहाँ से पूरा व्यू पॉइंट दिखा रहे थे। यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये भी आ रहा है, नैनीताल वाला फील आ रहा है, जैसे नैनीताल में नैनी लेक है ना, वो वैसी लग रही है जैसे माल रोड के बराबर में घूम रहे हो। पहले इतनी वोट नहीं थी यहाँ पे, इतनी सारी एक्टिविटी नहीं होती थी, अब धीरे धीरे ऐड हो गई है। पेड़ देखो लेक में ही उगा हुआ है बीच में ही। पर यहाँ पे अभी क्योंकि मॉनसून चल रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों पे, तो पानी इतना सारा जमा हो गया कि पानी यहाँ पे भी आ गया, वरना यहाँ पे चलने का एरिया था पूरा, इवन यहाँ पे भी चलने का एरिया था, पूरे में पानी आ गया। इस पूरे एरिया को जेटी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है बिना लाइफ जैकेट के जेटी में जाना मना है। तुषार यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहा है अपने दोस्त को और टिहरी लेक दिखा रहा है। वापस न्यू टिहरी जा रहे हैं, तो रस्ते में एक व्यू आ गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है, क्योंकि सनसेट हो रहा है ना उस तरफ, देख सन उस तरफ है राइट साइड में, उधर बादलों में टकरा रहा है, और इधर कैसे दिख रहा है, वाओ गोल्डन आर्स सुपर्ब। ये है ब्यूटी न्यू टिहरी की, देख लो अच्छे से, परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर ऐसी नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी। सबसे पहले हम वहाँ पे खड़े हुए थे, वो वाला एरिया दिखाया था वहाँ पे, फिर हम उसके बाद उस तरफ चले गए थे, अब हम इस तरफ खड़े हैं बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे न्यू टिहरी। तो तुषार ने कुछ फ़ोटो क्लिक किए हैं भाई, सुपर सुपर वेल डन, और भी कर ले भाई, रील बना ले, जो करना है कर ले, 10 मिनट है, 10 मिनट में सारी रोशनी चली जाएगी। ये तो दोस्तों जरूर कमेंट जरूर करना कि आपको टिहरी डैम कैसा लगा, मेरे एंगल से सुभाष चौधरी ब्लॉग से टिहरी डैम कैसा लगा। ये नदी एक है, आपको ऐसा लगेगा कि एक नदी उधर आ रही है या जा रही है, नदी एक है, डैम ये रहा, तो ये पूरी घाटी है उस तरफ भी और इस तरफ भी, ये सब डूब चुका है। तो पुराना शहर यहीं पर ही था सामने, जब पानी नीचे हो जाता है तो यहाँ पे ना वो राजा का महल जो है ना, वो मंदिर वगैरह सब दिखाई देता है, पूरा गाँव दिखाई देता है यहाँ पे। तो मैं ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब इसको देख लीजिए ध्यान से, ये न्यू टिहरी था, ये एग्जैक्ट यहाँ से ऐसा दिखता था, और अब एग्जैक्ट ये हो चुका है। ठीक है दोस्तों, टिहरी डैम से ये था सुभाष चौधरी का ब्लॉग, और बस अब जल्दी पहुंच जाएंगे न्यू टिहरी, वहाँ पे होटल ढूंढेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, सब देखते रहिए इस ब्लॉग में, आगे बने रहिए।